भारतीय विज्ञानम अंक दो भाग दूसरा कहा गया कि महर्षि पराशर जो थे उनके द्वारा वृक्षायुर्वेद में जब वृक्षाणाम परिणयी क्रियमाणा विविधा क्रिया सन्ति, वृक्षों के द्वारा कई प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जिनमें से है कि वर्णिता तथा प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया, प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया अर्थात फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद में है पर्ण से अवंत्र भागा या इनर पार्ट ऑफ अ लीव। तो उसके अंदर जो प्रक्रिया होती है, जो स्थित प्लाज्मा होता है उसके अंदर, उसके बारे में महर्षि पराशर ने पहले ही बता दिया गया। तो उस अवंत भाग में जो उसके सेल्स होते हैं उनके अंदर, और उसके बाद में है बीज निर्माण इत्यादि, हाउ द सीड्स गेट बर्थ, हाउ सीड्स गेट जनरेटेड इन द ट्रीज, देन उसके बाद में हमारे पास है स्थिता प्लाज्मा रेखा गणते यह सिद्धांत पाइथागोरस इति नामना प्रसिद्ध द पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी यूज, दिस इज ऑल्सो ऑलरेडी स्टेटेड इन इन द बुक्स, विख्यात है। मूलतः सा सिद्धांत बोधायन आचार्य, बोधायन आचार्य के द्वारा शुल्ब सूत्र एक बुक का नाम है, उसके अंदर पहले ही निरूपित कर दिया गया है। अब हमारे पास एक लास्ट पार्ट बचा हुआ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, नालंदा विश्वविद्यालय का आप नाम सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें जब मोहम्मद बिन गजनी ने आग लगाई थी तो वो 6 महीने तक वहाँ की लाइब्रेरी जो है जलती रही थी। अब इतने ग्रंथ थे उसके अंदर कि जहाँ पे 6 महीने तक आग लगी रही, इतने लाइब्रेरी जलती रही, पूरे विश्व से लोग हिंदुस्तान में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। अब हमारी जो पद्धति थी, जो एजुकेशन सिस्टम था, वो किस तरह का था उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि 7 साल का बच्चा जो है वो सारे मेन जो ज्ञान है सब उसको हो जाते थे पहले। तो कहा वहाँ पे 5 तरह की विद्याएं पढ़ाई जाती थी जो व्यक्ति को हमेशा हमेशा काम आती थी। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन अनुसार कृषि आयुर्वेद बौद्ध दर्शन, वहाँ पे बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। और ख़ास करके आपको ये बताऊँगा कि उस समय उस नालंदा विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले लोग थे, जो स्कॉलर्स थे या ब्राह्मण थे, जिनको मार के मुस्लिमों ने भगा दिया, वो उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन सारे ग्रंथों को बांध के जितने ग्रंथ जो समेट सकता था उसको हिमालय की चोटियों तक ले गए। आज भी कहीं कहीं गुफाएं जब पुरानी मिलती हैं किसी हिमालय पर, कोई व्यक्ति अगर एक्सप्लोर करता है तो पत्थर हटाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ अंदर बुक्स छुपी हुई हैं। वो बुक्स वो बेचारे वो लोग वहाँ पर छुपा कर वो खुद मर गए ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने के। ये उस विश्वविद्यालय की ऐसे बलिदानी वो जो स्कॉलर्स थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन तो पढ़ाया जाता था, उसके साथ साथ कृषि आयुर्वेद, कृषि किस प्रकार से अपने एग्रीकल्चर करना है ये बच्चे को 7 साल तक सिखा दिया जाता था। आयुर्वेद अपने डॉक्टरी जो है वो भी उनकी हो जाती थी, आज इतनी स्टडी करने के बाद में आदमी डॉक्टर बनता, वहाँ पर 7 साल का व्यक्ति डॉक्टर होता था, बच्चा डॉक्टर होता। तब का पशु विज्ञान, पशुओं के विज्ञान जो वेटनरी है उसका ज्ञान हो जाता था। कला शिल्प, उनको कला का भी ज्ञान होता था। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को अगर मान लीजिए मैकेनिकल ज्ञान हो गया तो उसको कला का ज्ञान ना हो, आर्ट का ज्ञान ना हो। अगर साहित्य संगीत कला भी ही ना, साक्षात पशु तुच्छ विषाण ही ना, अगर व्यक्ति के पास कोई भी ऐसा ज्ञान है और उसके साथ वो ज्ञान दूसरे ज्ञान के साथ कला का ज्ञान नहीं है, साहित्य का ज्ञान नहीं, लिटरेचर का ज्ञान नहीं है, तो वो साक्षात पशु कहा गया है। सिर्फ और सिर्फ उसमें विषाण, उसके सिंह नहीं है और पूंछ नहीं है। तो इसलिए कला का ज्ञान भी जो उनको सिखाया जाता था कि अगर वो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आयुर्वेद में नहीं है, पशु विज्ञान भी आना चाहिए व्यक्ति को। एतानी शिल्पानि इत्यादि अध्यापितानि आसन, वो उनको ऐसा पढ़ाया गया। तो मैंने यहाँ पे एक शब्द ज़्यादा जोड़ दिया, आसन, अध्यापितानि आसन, ये पढ़ाई जाती थी, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है। सप्तवर्षीय सन, जैसे मैंने कहा सप्तवर्षीय सन छात्र 7 साल का होने पर छात्र पंच विद्या अधीतवान, गलत लिखा हुआ अधीतवान नहीं आने, यहाँ पे शिक्षणम प्राप्त स्व, वो 5 विद्याओं का शिक्षण प्राप्त कर लेता था। अब आगे है प्रथमा, अभी एक एक विद्या के बारे में बता रहे हैं। प्रथमा विद्या शब्द विद्या तु व्याकरण से, पहली विद्या है शब्दों की विद्या, यहाँ पे शब्दों ज्ञान होता है, वो कहते हैं उसको फोनेटिक्स। और व्याकरण कैसा, ऐसा व्याकरण जिसमें 4000 सूत्र लिखे पाणिनि ने, ऐसी बुक को पढ़ा जाता था अष्टाध्यायी को,
इसमें व्यक्ति को ज्ञान पूरा होता था कि व्याकरण में कोई दोष नहीं होना चाहिए। 7 साल का व्यक्ति बच्चा धारा प्रवाह से बिना किसी अशुद्धि के सही भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद है दूसरी विद्या, द्वितीय विद्या शिल्प स्थानम। उसमें शिल्प, जैसे शिल्पों का किस प्रकार से निर्माण करना है, ये विख्यात थी ये विद्या शिल्पों के बारे में। कि आज आप देखते हैं भारतीय धरोहर में, अगर हम देखें पुराने जो संस्कृति है उसको बताने में, उसे परिचायक क्या है, वही पुराने जो चित्र, जो शिल्प बनाए गए हैं, जो स्कल्पचर्स हैं उनसे हमें पता चलता है। हमारा टेंपल कल्चर देखें, टेंपल कल्चर में देखें आप, इस तरह का आपको मिलेगा, जैसे कोणार्क टेंपल है, तो ये शिल्पकला नहीं होती तो भारतीय धरोहर आज जिंदा नहीं होती। वो हज़ारों साल से आज वो बिना किसी बीम के, बिना किसी सीमेंट के यूज़ किए हुए, ओनली पत्थरों को किस तरीके से उन्होंने सेटअप किया है, और उससे आज वो मंदिर हज़ारों साल से खड़े हैं और हज़ारों साल खड़े रहेंगे। तो ये है। उसके बाद में एते ने शिल्प आने, यंत्र निर्माण आदि, पहले यंत्रों का निर्माण भी होता था, शिल्प भी बताया जाता था। ज्योतिषम, ज्योतिष व्यक्ति को 7 वर्ष के बच्चे को इतना ज्ञान होता था कि ज्योतिष, ज्योतिष का अर्थ यहाँ पे है कि कैलेंडर मेकिंग, बच्चा कैलेंडर खुद बना सकता था, कब एक्लिप्सेस आएंगे, आज कौन सी तिथि है, कल कौन सी तिथि होगी, उसमें करण कौन सा होगा, योग कौन सा होगा, इस वर्षों के नाम क्या होंगे, तो इस प्रकार उनको पूरा का पूरा पंचांग जो है उनके दिमाग में, मस्तिष्क में फिट होता था। ग्रहों के जो चराचर, ग्रहों के जो भी व्यवहार हैं वो उनको पता होते। तिथि पत्र निर्माण मैंने बताया, कैलेंडर मेकिंग, शिक्षितानि आसन, ये पढ़ा जाता है। आयुर्वेद तृतीय विद्यास्त, उसके बारे में आयुर्वेद तत्र शरीर रक्षा, शरीर से रक्षा कथम करनी है, शरीर की रक्षा कैसे करनी है। फिर उसके बाद में शल्य चिकित्सा अर्थात कि ऑपरेशन कैसे करना है। सुश्रुत संहिता में जो कि ये बिल्कुल ये प्रमाणित किया गया है कि ईसा पूर्व 800 साल बिफोर क्राइस्ट 800 AD में, BC में, बिफोर क्राइस्ट वो बुक लिखी गई थी। आज आपको पता है कि सुश्रुत जो हैं ये हॉस्पिटल्स हैं, सुश्रुत ऋषि ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले ऑपरेशन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और ऑपरेशंस भी किए। तो 7 वर्ष के बच्चे को एक आपको श्लोक बताता हूँ, अगर कहीं पे कट लग जाए तो ततो वर्णम समुपस्थाप्य तत्र सूक्ष्म सूत्रे ने सीवे, तो उसको बिल्कुल पतले धागे से सिलना है, ये उनके ग्रंथ में लिखा गया है हाउ स्टिचेस कैसे करने हैं ऑपरेशन के बाद में। तो यहाँ पे बताया गया कि सुश्रुत संहिता, सुश्रुत पढ़ाया जाता था, सुश्रुत संहिता, और कहा शल्य चिकित्सा जो ऑपरेशन कैसे करना, औषधि नाम प्रज्ञानम, औषधियों का मेडिसिन को कैसे पहचानना है, अध्याय अधितानी आसन। चतुर्थी विद्या से हेतु विद्या में लॉजिक बनाना, यथा कहा यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहाँ धुआं होगा वहाँ पे आग होगी, और कहता है कि अग्नि नहीं होगी तब भी धुआं हो सकता है, तो कहने के यहाँ पे लॉजिक किस प्रकार से पुट करना है, ये उनको पहले सिखाया जाता था। आज के समय में भी है बच्चे, लेकिन वो क्या लॉजिक लगा रहे हैं, इन लॉजिक है, वो तर्क है या कुतर्क है, तो ये बच्चा तर्क कर रहा है कि कुतर्क कर रहा है, वो बच्चा खुद समझ जाता था 7 साल का कि मैं तर्क कर रहा हूँ या कुतर्क कर रहा हूँ। तो लॉजिक कैसे पुट करना है ये सिखाया जाता था। और ये न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, न्याय